Hey, कैसे हो आप सारे। वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज के अपने वीडियो का टॉपिक है EPA एंड DHA। ये दोनों फैटी एसिड्स हैं और मैं ये वीडियो का टॉपिक इसलिए चूज़ किया है, ये मुझसे किसी से पूछा नहीं है। एक्चुअली मैंने एक रिव्यू किया था कुछ महीने पहले कि कॉड लीवर ऑयल एंड फिश ऑयल, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जो कि मार्केट के अंदर बड़े फेक तरीके से ये फैलाया जा रहा है कि कॉड लीवर ऑयल इज़ अ फिश ऑयल एंड फिश ऑयल इज़ अ फिश ऑयल टू। तो आप दोनों को लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक बात बताओ कि वाई फिश ऑयल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ऑफ कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल इतना सस्ता क्यों आता है और फिश ऑयल इतना महंगा क्यों आता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो। बिकॉज़ देयर इज़ अ डिफरेंस। यस, वो दोनों के दोनों मिलते फिश से ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक डिफरेंस है कि आपको जो EPA एंड DHA दोनों फैटी एसिड्स हैं, जिसको मैं एसेंशियल फैटी एसिड बोलूँगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ फिश ऑयल से ही मिलेगा, कॉड लीवर ऑयल से नहीं मिलेगा। कॉड लीवर ऑयल जो है उसी फिश के, जिस फिश की स्किन से वो ऑयल निकाला जाता है, जिसको आप फिश ऑयल बोलते हैं, उसके ही लीवर से एक ऑयल एक्सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसे हम कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। कॉड लीवर ऑयल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन ए ओनली, दैट्स इट। वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए एंड विटामिन डी का गुड सोर्स है। आप जाके किसी भी कॉड लीवर ऑयल की इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, उसके फ़ायदे पढ़ लेना, गूगल आपके पास है, आपको पता चल जाएगा। पर द रियल सोर्स ऑफ फिश ऑयल के अंदर जो मेन सोर्स है जिसके लिए हम उसको लेते हैं, वो EPA एंड DHA है। नाउ कम टू दिस, EPA एंड DHA दोनों फैटी एसिड्स हैं। तो फैटी एसिड्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा सेल है, जिसे हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं, और जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जिससे टिश्यूज़ बनते हैं, जिससे अल्टीमेट मसल्स बनती हैं अल्टीमेटली, सो उसके अंदर प्रोटीन के अलावा वाटर मॉलिक्यूल और फैट मॉलिक्यूल्स हैं। विदाउट फैट आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते, सो वी नीड फैट अलॉन्ग विथ प्रोटीन टू बिल्ड मसल्स और गुड हेल्थ के लिए भी हमको चाहिए। सो ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं, जो EPA एंड DHA है, ये हमारी बॉडी बना नहीं पाती, तो हमको फूड से चाहिए होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा मिथ हमारे सामने ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सी फूड या फिश ऑयल से ही अपने इस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताइए, वो लोग जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, जो कि नहीं लेते हैं EPA, DHA, फिश ऑयल्स, मतलब नॉन वेज नहीं लेते हैं, और मतलब वो किसी भी तरीके से सी फूड नहीं लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन सी फूड, वेजिटेरियन सी फूड की बात नहीं कर रहा, वेजिटेरियन सी फूड के अंदर एल्गी वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ पौधे वगैरह भी हैं, तो आप ये बताइए क्या वो मसल बिल्ड नहीं कर पाते। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ मसल बिल्ड नहीं कर पाते, क्या वो ज़िंदा नहीं रहते, क्या उनकी सेल कंपोजिशन नहीं है, क्या उनके सेल नहीं बनते, क्या उनके टिश्यूज मरते या बनते नहीं है, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या उनकी चोट ठीक नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि सप्लीमेंट कंपनियों ने फैलाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सी फूड से ही अपने EPA और DHA को मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं और बाकी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, पर हाँ, फिश ऑयल एक गुड सोर्स है EPA एंड DHA का, इसको नकारा नहीं जा सकता बिल्कुल। ठीक है, EPA का जो मेन काम है, अगर EPA की बात करें, तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के अंदर से वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। नेक्स्ट, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है। और DHA की बात करें तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हमारा मोस्ट ऑफ़ द ब्रेन जो है जिस DHA से ही बना हुआ है, मोस्ट ऑफ़ द जो फैटी एसिड हमारे ब्रेन में मिलते हैं वो DHA के फॉर्म में है, सो DHA इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्या सिर्फ यही एक ओनली सोर्स है, नहीं, वेजिटेरियन फूड सोर्स भी बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, आप जाके गूगल करें और आपको पता चल जाएगा। क्या सप्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ फिश ऑयल की ही होनी चाहिए EPA और DHA के लिए? नहीं मेरे भाई, सी फूड के अंदर बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स भी आते हैं, जिनसे कि इस तरह का EPA DHA फैटी एसिड्स को एक्सक्रीट किया जाता है और मार्केट के अंदर बेचा जाता है। आप जाएं और सर्च करें गूगल पे फॉर द वेजिटेरियन सोर्स ऑफ EPA एंड DHA, आपको हज़ारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे वो दोस्त या वो व्यूअर्स जो कि वेजिटेरियन हैं और वो इस तरह का फूड सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सेम रेट के अंदर आपको वेजिटेरियन सोर्स ऑफ EPA एंड DHA मिल जाएगा, अगर आप सी फूड या फिश ऑयल के लिए नहीं जाना चाहते। और अगर आप फिश ऑयल के लिए जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉड लीवर ऑयल और फिश ऑयल के अंदर अंतर समझें, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो के अंदर कई लोगों ने मुझसे ये बोला कि दोनों के दोनों फैटी एसिड्स हैं, चाहे आप कॉड लीवर ऑयल ले लें चाहे आप फिश ऑयल ले लें, दोनों के अंदर EPA DHA है, तो क्या फ़र्क पड़ता है।
तो मेरे भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, EPA DHA ओनली अवेलेबल अगर फ़िश ऑयल की बात करें तो कॉड लिवर ऑयल नहीं, फ़िश ऑयल के अंदर ही है। अगर ऐसा होता कि दोनों के अंदर वो सेम अमाउंट होता तो इन दोनों को अलग से बेचा नहीं जाता, या अगर बेचा भी जा रहा है तो दोनों के रेट ऑफ अमाउंट दोनों के एग्जैक्टली सेम होते, एक सस्ता एक महंगा क्यों? ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो जो मैं जो बताना चाहता था आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन है इसको लेके, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और नीचे लिख दें, फ्री है कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के थ्रू बाय कमेंट रिप्लाइंग कुछ भी किसी भी तरीके से एनी वे मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगा। और मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूअर्स का व्यू क्या है मेरी वीडियोस को लेके। और हाँ, वो लोग जो गाली देना चाहते हैं प्लीज़ नीचे गाली दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके संस्कार हैं। और आप जो भी सजेशन मुझे वीडियो से को लेके देते हैं मैं बेटर करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, मैं हाथों से ही शूट कर लेता हूँ वीडियो अपने फ्रंट कैमरे से, बिकॉज थोड़ा सा टाइम मिल पाता है मुझे तो मैं बिल्कुल जल्दी सडनली एक टॉपिक लेके इस तरह से शूट कर लेता हूँ। होप सो कुछ आने वाले दिनों में मैं वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, पर मैटर करता है कि इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ द नॉलेज, वो आप तक ठीक तरीके से पहुँचनी चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए। इट डजेंट अबाउट द वीडियो क्वालिटी, इट डजेंट अबाउट द एडिटिंग क्वालिटी, इट ऑल अबाउट कि मैं जो आप कहना चाहता हूँ, जो आपके क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं और जो फैक्ट आपको पता होने चाहिए वो आप तक पहुँचने चाहिए। दैट्स इट, दैट्स माई मोटो। होप सो यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।